सवाल नंबर हमारे पास में 13 दे रखा है, उसमें तीन तीन के जोड़े, एक जोड़ा, दो जोड़ा और तीन जोड़ा। पहले देखेंगे अंतिम जोड़े में सात किसके पीछे आता है, तो सात आता है तीन के पीछे, तीन के क्यूब, तो एक उत्तर हमारे पास में आ गया तीन। बीच वाला अंक हमारे पास में प्राप्त नहीं हो सकता, उसको खाली छोड़ दिया। अब अंतिम कितना, आठ। आठ किसके बीच में आता है, इन दोनों के बीच में, तो छोटी संख्या लेनी है, तो कितना आएगा, दो। ये हमारे पास में उत्तर पहले से ही प्राप्त हो गया। अब इन्हें हल करेंगे, बीच वाला अंक भी ज्ञात करेंगे किस प्रकार। देखो संख्या है 836, 54, 27, तीन तीन के जोड़े, एक जोड़ा, दो जोड़ा और एक जोड़ा बच गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझना इस सवाल को। देखो पहले क्या करेंगे, दो की क्यूब, वही प्रक्रिया, एक की क्यूब मतलब दो की क्यूब, दो की क्यूब आठ, तो आठ घटा दिया कितना बचा, जीरो। तो ऊपर से एक एक अंक उतारना है, तीन, फिर उतारा छह, फिर पांच, फिर चार, फिर दो और अंत में हमारे पास में सात। ये प्रक्रिया रहेगी, एक एक अंक उतारना है, उसके बाद में ये प्रक्रिया रहेगी। उसके बाद में दो नंबर पे हमारे पास में दे रखा है -3 इंटू ए का मान हमारे पास में दे रखा है दो, दो की स्क्वेयर इंटू बी का मान हमारे पास में दिया नहीं है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसको ऐसी संख्या से गुणा करो कि इस तीन से ज्यादा न जाए, ऐसी संख्या से गुणा करनी है, तो इसको अगर मैं जीरो से गुणा करूं तो ये से ज्यादा नहीं जाएगा, तो बी का मान हमारे पास में कितना प्राप्त हुआ, जीरो। तो इसको जीरो से गुणा किया, जीरो, तो तीन में से जीरो गया जीरो, तीन में से जीरो गया तीन। नंबर तीन प्रक्रिया कहती है -3 इंटू बी का मान हमारे पास में जीरो की स्क्वेयर इंटू ए का मान। अब पूरी प्रक्रिया में जीरो है, गुणा में कहीं पे जीरो आता है, अगर गुणा करते हैं तो वो जीरो ही आता है, तो हमारे पास में प्राप्त हुआ 365। अब अंतिम अंक बी की क्यूब, तो बी का मान हमारे पास में जीरो, तो जीरो की क्यूब करेंगे तो वो शून्य ही होगा, या शून्य, तो ये आ गया। अब बचा कितना, 365 वापिस बच गया, घटाया तो। ठीक है, अब क्या करने हैं, हमारे पास में दो अंक प्राप्त हो गए, तीसरा अंक हमारे पास में पहले ही प्राप्त था, उसको यहां लिख दो। तो अब जो ये प्राप्त हुआ है, ये तो हो गया ए का मान और ये मान हो गया बी का मान, वापिस वही प्रक्रिया करनी है, बस ये पहले टर्म नहीं करनी, ए की क्यूब नहीं करनी, बाकी सारी प्रक्रिया वही। तो क्या घटाएंगे, -3 इंटू ए का मान अब कितना हो गया, 20, तो 20 का वर्ग इंटू तीन, मतलब बी का मान तीन, तीन तीन 9, 20 का वर्ग होता है 400, तो इन दोनों को गुणा किया 3600, तो इसमें से घटाया 3600, तो बचा 4 5, 542। अब वही प्रक्रिया नंबर तीन क्या कहती है, -3 इंटू बी का वर्ग, बी का मान है तीन, तो तीन का वर्ग इंटू ए का मान, ए का मान अब कितना हो गया, 20 हो गया, तो तीन का वर्ग कितना, 9, 9 को तीन से गुणा किया 27, 27 को 20 से गुणा किया, 27 दूना 54, 540, तो ये हो गया 540, बचा कितना, दो। तो अब अंतिम अंक हमारे पास में कितना है, तीन, तो तीन की करनी है क्यूब, तीन की क्यूब 27, ये हमारे पास में घनमूल प्राप्त हो गया। सवाल नंबर 14, तीन तीन के जोड़े बनाने, उत्तर पहले ज्ञात करें, एक जोड़ा, दो जोड़ा और एक एक अंक बच गया। अब देखो अंत में कितना अंक है, आठ, आठ किसके पीछे आता है, तो दो के पीछे, तो एक उत्तर हमारे पास में प्राप्त हो गया दो। बीच वाले जोड़े में से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होगा, खाली छोड़ दिया, पहला एक, एक का क्यूब एक, तो ये हमारे पास में उत्तर आ गया, तो इस उत्तर में मान रखेंगे, आगे के मान आप अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो 1 6 12 0 8, ए का मान हमारे पास में प्राप्त है, बी का मान अपने आप ज्ञात हो जाएगा। देखो एक की क्यूब एक, तो एक प्राप्त हुआ, एक में से एक गया जीरो, अब ऊपर से एक एक अंक उतारना है, यहां पे उतरेगा शून्य, यहां पर छह, फिर एक, फिर दो, शून्य, फिर आठ,
ये मैंने सारे अंक एक एक करके लिख दिए। अब वहीं -3 इंटू ए का मान ए का वर्ग इंटू बी का मान ऐसा रखना है कि जीरो से ज्यादा ना आए, तो हम जीरो ही रखेंगे बी का मान। तो बी का मान हमारे पास में जीरो प्राप्त हुआ, इसको गुणा किया तो जीरो, तो जीरो का जीरो। वही 3 इंटू बी का मान 0 का वर्ग इंटू 1, सारों को गुणा किया तो कितना प्राप्त हुआ, शून्य। तो हमारे पास में 61 प्राप्त हुआ, 6 का 6 हो गया। अब क्या करना है, बी के क्यूब, बी क्या बी का मान हमारे पास में 0, तो 0 रखा, ये हो गया 600, 12 प्राप्त हुआ। अब क्या हुआ, बी का मान है और अंतिम मान हमारे पास में 2 भी प्राप्त, पहले से ही कर लिया था हमने, तो यहाँ पे लगा दिया। अब सुनिए, तो ए का मान ये हो गया, बी का मान 2। अब इस उत्तर में मान को माइनस के 3 इंटू ए का मान हमारे पास में 10 का वर्ग इंटू 2, 10 का वर्ग 100, 100 को 3 दुनी 6 से गुणा किया 600, तो प्राप्त हुआ हमारे पास में 12। इसी प्रकार -3 इंटू 10 इंटू 2 का वर्ग बी का वर्ग, तो इन दोनों को गुणा किया 30, 30 को 4 से गुणा किया 120, 4 × 3 = 12, तो ये भी प्राप्त हो गया शून्य। अंतिम अंक 8, तो हमारे पास में 2 दे रखा है बी का मान, तो बी की क्यूब 8।